फ्रेंड्स, अब शुरू करते हैं हम अपना नया वीडियो जिसमें एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 6 लिया गया है, जो इस प्रकार है। देयर आर थ्री कॉइन्स, वन इज ए टू हेडेड कॉइन हैविंग हेड ऑन बोथ फेसेस और अनदर इज ए बायस्ड कॉइन दैट कम्स अप हेड्स 75% ऑफ द टाइम एंड द थर्ड इज एन बायस्ड कॉइन। वन ऑफ द थ्री कॉइन्स इज चूजन एट रैंडम एंड टॉस्ड, इट शोज हेड्स बट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वॉज ए टू हेडेड कॉइन। यानी कि तीन कॉइन हैं आपके पास, एक कॉइन जो है उसके दोनों तरफ हेड है और दूसरे वाले कॉइन में जो है वो बायस्ड कॉइन है, तो उसमें 75% जो है वो हेड दिखाता है और 25% टाइम वो जो है टेल दिखाता है, और तीसरे वाला जो है वो जो है फेयर कॉइन है, यानी कि उसमें प्रोबेबिलिटी जो है बराबर बराबर है, तो उसमें 1/2 टाइम्स ही हमारे को दिखाएगा हेड और 1/2 दिखाएगा आपका टेल। तो जो है पहले वाला कॉइन में हेड दोनों तरफ है, जैसे शोले पिक्चर में अमिताभ बच्चन के पास कॉइन था, दोनों तरफ हेड हैं तो हमेशा ही वो हेड दिखाएगा, और जो बायस्ड कॉइन है वो चार बार टॉस करोगे तो तीन बार, 75% का मतलब है 3/4, तो इसका मतलब चार बार टॉस करने पे तीन बार वो हेड दिखाता है और एक बार टेल दिखाता है। इसी तरह से जो थर्ड कॉइन है वो फेयर है, तो वो एक बार हेड और एक बार टेल, यानी कि बराबर बराबर प्रोबेबिलिटी दिखाता है। अब जो है ये हम इसको समझते हैं यहाँ पे, तो दो बार हेड कॉइन जो है दोनों साइड हेड है, और दूसरे वाले में जो है बायस्ड कॉइन है, इसमें 75% जो है वो टाइम्स जो है हेड दिखाता है, और जो अनबायस्ड कॉइन है वो आपका जो है अनबायस्ड में बराबर पॉसिबिलिटी है हेड और टेल आने की। तो अगर कॉइन वन को जो है टॉस किया जाता है तो हेड और टेल आने की क्या पॉसिबिलिटी है कि आप दो बार अगर टॉस करोगे तो दोनों बार हेड ही आएगा, यानी कि जितनी बार करो, 100 बार करो, 1000 बार करो, हमेशा हेड ही आएगा, यानी और मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1, तो 1 आएगी हेड आने की प्रोबेबिलिटी। और क्योंकि जो बायस्ड है वो जो है हमें कितना 75% हेड दिखाता है, 75% का मतलब है 3/4, यानी कि चार में से तीन बार जो है वो जो है हेड दिखाएगा, चार बार टॉस करने में तीन बार हेड और एक बार टेल दिखाएगा, तो ये 3/4 टाइम है प्रोबेबिलिटी हेड आने की और 1/4 है टेल आने की। वैसे टेल आने की प्रोबेबिलिटीज की किसी की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि हम हेड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो हम सिर्फ हेड की प्रोबेबिलिटी भी लिखें तो भी काम चल जाएगा। क्वेश्चन का ये जो है ब्रांच डायग्राम जो है सिर्फ क्वेश्चन को समझाने के लिए, एग्जाम में इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं होती, मैं सिर्फ बायस थ्योरम को आपको समझाने के लिए ही ये ट्री डायग्राम बनाता हूँ। अब देखिए इसमें क्या है कि हमें हेड जो आया वो किससे आया, टू हेडेड कॉइन से, यानी कि हमें बैक में आना है, तो बैक में जब भी हम आते हैं यानी कि घटना के होने का मूल कारण ढूंढते हैं तो हम जो है बायस थ्योरम लगाते हैं। तो अब जो है हम इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए E1, E2, E3 जो है वो तीन इवेंट्स हैं जो कि किसके लिए हैं, E1 है टू हेडेड कॉइन के लिए, E2 है बायस्ड कॉइन के लिए और E3 है अनबायस्ड कॉइन यानी कि फेयर कॉइन के लिए। अब क्योंकि तीनों सिक्कों में से एक को चूज किया गया तो तीनों के आने की पॉसिबिलिटी 1/3 हुई, क्योंकि सिक्के चाहे अनबायस्ड हो लेकिन उनको चुना जो जा रहा है वो बराबर से उनकी प्रोबेबिलिटी है यानी कि 1/3। तो अब ए जो है प्रोबेबिलिटी ये शो करती है कि हेड आया, तो हेड आने के लिए हम ए को यूज करेंगे, यानी कि जहां जहां हेड आएगा उस इवेंट को हम ए बोलते हैं। तो A/E1 क्या हुआ, क्योंकि E1 घटना हो चुकी है, चॉइस किया जा चुका है कॉइन है और उसमें हेड और टेल देखना है, तो जो घटना हो चुकी है उसको हम बाद में लिखते हैं, यानी कि E1 को बाद में लिखा और टेल वो हेड या टेल आने की प्रोबेबिलिटी पहले लिखनी है, क्योंकि हम A हेड के लिए लिखेंगे तो बाद में आना, तो बाद वाले को पहले लिखेंगे, यानी कि P A/E1 जो है टू हेडेड कॉइन में कितना आएगा, 1, क्योंकि वो हमेशा ही हेड ही दिखाएगा। अब प्रोबेबिलिटी जो है बायस्ड कॉइन के में हेड आने की है 75%। अब 75% का मतलब है कि 75/100, तो 75/100 का मतलब है 3/4,
यानी के चार बार टॉस करने पर तीन बार जो है हेड आता है और एक बार टेल आता है, ऐसी पॉसिबिलिटी होती है। तो ये जो है इसका मतलब हुआ कि पी ए ओवर ई टू यानी के ए मतलब घटना हेड आना और किस में से आना, क्वाइन टू में से आना, उसकी प्रोबेबिलिटी हुई 3/4। अब थर्ड क्वाइन जो है वो अनबायस्ड क्वाइन है, तो इसका मतलब हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/2 होगी। तो पी ए ओवर ई थ्री जो है वो क्या दिखा रहा है कि क्वाइन हेड शो करे और वो अनबायस्ड हो, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हम क्या लिखेंगे, 1/2। अब जो है प्रोबेबिलिटी जो है हमें किसकी निकालनी है कि टू हेडेड क्वाइन है जो कि क्या शो कर रहा है, हेड शो कर रहा है, तो क्योंकि हेड ये पहले ही हो चुका है और बाकी हम बैक में ये आके देखना चाहते हैं कि जो हेड आया वो किससे आया हो, क्वाइन ए से यानी कि टू हेडेड क्वाइन से आया हो, क्योंकि हेड आना हो चुका है इसलिए उसकी प्रोबेबिलिटी को हम बाद में लिखेंगे और क्वाइन ए को ढूंढ रहे हैं तो इवन को हम पहले लिखेंगे क्योंकि जो घटना हो चुकी होती है उसको हम बाद में लिखते हैं। तो जब भी हम बैक में आते हैं तो हम पहले बताया गया है कि कैसे क्या यूज करते हैं, बायस थ्योरम यूज करते हैं। तो बायस थ्योरम में क्या करना है, हमने इस तरह से ये जो मैं दिखा रहा हूं कि दोनों की जो पॉसिबिलिटी है क्वाइन एक से को चुने जाने की और फिर उसमें हेड आने की, उनका मल्टीप्लिकेशन यहाँ लिखेंगे। क्वाइन ए को चुने जाने की प्रोबेबिलिटी जो है पी ई वन है जो कि 1/3 के इक्वल है और ए उसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी जो है पी ए ओवर ई वन जो कि 1 के इक्वल है, उसे यहाँ ऊपर लिखेंगे। और नीचे जो है क्योंकि हेड तो तीनों उससे आ सकता है क्वाइन से, वो बायस्ड से भी आएगा, अनबायस्ड से भी आएगा और टू हेडेड से भी आएगा, तो उन तीनों के मल्टीप्लिकेशन का सम जो है वो नीचे लिख दिया जाएगा, यानी के नीचे डिनोमिनेटर में लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ईवन इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ओवर ईवन प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ओवर ई टू प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई थ्री इंटू में पी ए ओवर ई थ्री। तो पी ई वन जो है वो है 1/3, तो यहाँ पे 1/3 लिखा और पी ए ओवर ई वन जो है वो 1 है, यानी कि जो हमने यहाँ पे लिखा है पी ए ओवर ई वन 1 वो यहाँ पर हमने लिख दिया। अब नीचे जो है इसको फिर से रिपीट कर देंगे क्योंकि यही चीज जो है यहाँ पे भी लिखी गई है। अब पी ई टू जो है वो भी 1/3 है तो प्लस करके 1/3 और पी ओवर ए ओवर ई टू जो है वो है 3/4, तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा 3/4। कहने का मतलब आपको ये है कि आपने हर बार हर ब्रांच में रेड और वाइट स्टिक के पे जो प्रोबेबिलिटीज हैं उनको मल्टीप्लाई करना है। तो अब तीसरे में है ई थ्री का की प्रोबेबिलिटी और ए ओवर ई थ्री की प्रोबेबिलिटी, तो पी ई थ्री क्या है 1/3 और पी ए ओवर ई थ्री है 1/2, तो हमने इसको 1/2 को 1/3 से इधर ये मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस तरह से ये हमारे पास डिनोमिनेटर के सारे हमने सिंप्लीफाई करके लिख दिए। तो अब ये हो गया 1/3 और इंटू में 1 को 1/3 आ गया और पहले वाले को सिंप्लीफाई किया 1/3 इंटू 1 को 1/3 और 3 दूसरे वाले में 3 से 3 कैंसिल हो गया तो 1/4 हो गया और तीसरे में 1/6 आ गया। अब ऊपर तो न्यूमरेटर में तो वही 1/3 चलेगा और नीचे डिनोमिनेटर में जो है 6, 4 और 3 का एलसीएम 12 आएगा। तो और जो है ऊपर इसको जो है सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास 4+3+2 ये आया, तो जिसका सम जो हो गया 9, तो यानी कि 1/3 और अपॉन में 9/12 आ गया, जो कि अब हम सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए 3 से कैंसिल हो गया तो 3/4 हो गया, तो 1/3 इंटू में जो है 3/4 को उल्टा करेंगे मल्टीप्लाई हो जाएगा 4/3 हो जाएगा, तो ये आंसर आया 4/9, ये हमारे प्रोबेबिलिटी है। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, पसंद आए तो मेरे चैनल द मैथ्स गुरुदेव को सब्सक्राइब कीजिए।